तो भाई लोग, ये ध्रुव राठी कौन है? मैं जानता हूं बखूबी आप लोग इस बंदे को अच्छे से जानते होंगे, लेकिन जितना मैं जानता हूं, एक ग्रेट मास्टरमाइंड, एक नॉलेजफुल पर्सन, मतलब एक आदमी जो है बिना गलतियों के वो आदमी नहीं कहलाता। एंड यही गलती ध्रुव राठी सर से हो गई। इन्होंने उड़ता तीर ले लिया हुआ है आर रेटेड फैंस का। और बात करते हैं, ये बोलते हैं एनिमल मूवी मोस्ट वायलेंसी मूवी है एंड ये सोसाइटी को गलत अडेप्ट करेगी, लोगों को गलत बहकाएगी। आओ बताता हूं मैं इनके बारे में आप लोगों को कि इन्होंने पहले कैसे कैसे कंटेंट को प्रमोट किया हुआ है। कंटेंट नंबर वन, गैंग ऑफ वासेपुर, द प्योर वायलेंसी मूवी, एक फैमिली वाली प्योर पीस ऑफ लड़ाई जो अपने को देखने को मिलती है। एंड ओवरऑल अगर आप बोलोगे वायलेंस, एनिमल से ज्यादा वायलेंस एंड गाली इसमें थी। नंबर टू, सेक्रेड गेम्स। अगर बात करें, अगर लोगों को इंपैक्ट पड़ रहा है न्यूडिटी को लेकर एनिमल के, तो सेक्रेड गेम्स में भाई बूब्स एंड निपल्स तो चने के माफिक दिख रहे थे उसमें, तो ये 100x न्यूडिटी शो कर रहा था सेक्रेड गेम्स। एंड तीसरा, द ब्रेकिंग बैड नेटफ्लिक्स का मस्त शो जिसको ध्रुव राठी सर प्रमोट कर रहे थे, जिसमें एक सॉल्ट बनाते थे, एक ऐसा सॉल्ट जिससे फुल क्वालिटी नशा करे। अब ये ध्रुव राठी सर, आप ये बताएं हमको कि ये फिल्म क्या सोसाइटी को इंपैक्ट पहुंचाती है या फिर नहीं। जब हॉलीवुड अपने बूट स्ट्रीट्स एंड प्योर वायलेंसिक चरम सीमा पे था, तो ध्रुव सर को ये चीजें सोसाइटी पर बैड इंपैक्ट नहीं डाल रही थी। और ये कह रहे हैं कबीर सिंह एंड एनिमल मूवी बहुत ही वायलेंस एंड सोसाइटी को बहकाएगी ये फिल्म। भाई मुझे तो लगता है आपने वायलेंस मेरे जैसा नहीं देखा है मूवीज में। मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स, वाइकिंग्स भाई गले कटते हुए देखे मैंने मूवीज में, एंड आई बीन एंजॉयिंग, क्योंकि मुझे आई एम प्राउड टू बी आई एम अ आर रेटेड फैन एंड आर रेटेड लवर। हम ही ऑडियंस है और हमें वायलेंस पसंद है, हम एक आर रेटेड लवर सिनेमा के दीवाने हैं दोस्त। We are not as sweet as boys. You saw that. हम थोड़े से अलग हैं। हमें सिर्फ खून वायलेंस पसंद आता है। और एनिमल के जस्ट रिलीज होने के बाद ये फेक फेमिनिज्म वाले उस पर उंगली उछाल रहे हैं। पहला, रणबीर कपूर चीट रश्मिका मंदाना। मतलब जो रणबीर कपूर रश्मिका को चीट करके तृप्ति डिमरी के साथ सो रहे थे, तो सो कॉल्ड लड़कियों को भाई ये कैसे कर सकता है, हाउ ही चीट। जबकि राजना मूवी में जो कुंदन भैया का इतना गंदा काटा था सोया ने, हर बार उसने उसका इस्तेमाल किया प्रॉब्ली। एंड अब एट द एंड अगर रणबीर कपूर किसी मूवी में चीट करता है तो आप उसको भी एंजॉय करो ना, लड़कियां चीट करे तो यू विल बी एंजॉयिंग। लेकिन फिर आपका सो कॉल्ड फेमिनिज्म बीच में क्यों आ जा रहा है, लड़कियां चीट करे लड़के चीट करे तो आप उसको एंजॉय करो। दूसरा, रणबीर कपूर हिट रश्मिका, एक सीन में रणबीर कपूर रश्मिका का गले दाब रहा, तो मतलब ये टॉक्सिक लव वाले कुछ बात है। तो भाई वो उन दोनों का रिश्ता, बहुत से रिश्तों में प्यार और मार दोनों होती है। रेड इज ए साइन ऑफ डेंजर, ऑल्सो रेड इज ए साइन ऑफ लव, तो क्यों तुम्हें दिक्कत हो रही है यार। तीसरा, अल्फा मेल प्रॉब्लम। लड़कियों को अब अल्फा मेल से भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अल्फा मेल ही दुनिया चला रहे हैं प्रॉब्ली। चौथा, तृप्ति डिमरी नेकेड। अगर आपको इस नेकेड सीन से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो व्हाई आर यू इन दिस वर्ल्ड, आप इस वर्ल्ड में क्यों। अभी ये धीरे धीरे ओवरलैप होकर के और ऊपर तक आर रेटेड सिनेमा जाने वाला है, अभी तो आपने कुछ नहीं देखा। दिस गोना बी अ हॉलीवुड लेवल। ये सबसे बड़ी इशू पता है क्या है, जहां पे अपने को देखने को मिलता है राजना मूवी में कुंदन भैया का इतना गंदा कटता है एंड बंदा बार बार चीट होता है, वो लड़कियों को अच्छा लगता है। इंदौरी इश्क जैसी वेब सीरीज या फिर और सी मूवीज में जब लड़कियां लड़कों को चीट करती हैं तो वो लड़कियां बहुत ही ज्यादा हैविली इंजॉय करती नजर आती है उस चीजों को। लेकिन अब इस चीजों को एंजॉय करने मजा नहीं आ रहा आपको, नहीं प्रोबेबली हम ही चूतिए थे जो मैसेज का आज भी इंतजार कर रहे हैं। खैर, उस गलियों में ना जाते हुए अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं। वेल ध्रुव सर, आपका नॉलेज पावरफुल है एंड मैं उस चीज की रिस्पेक्ट करता हूं, आपका ज्ञान, आपके मतलब जो थिंकिंग है, दैट्स अ गुड थिंग। बट इफ इस बार मैं आपसे बातों से टैली नहीं कर पा रहा हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आज मैं क्लियर करता हूं अपने दिल से कि मैं एक आर रेटेड सिनेमा फैन हूं, रहूंगा और हमेशा रहूंगा, क्योंकि मुझे कोई आर रेटेड NC-17 मूवीज पसंद नहीं। क्योंकि अपन जो लॉन्डे है ना, आजकल अपन बड़े हो चुके हैं, वी आर नॉट अ चाइल्डिश किडिश पर्सन कि हम सुपरमैन को सिर्फ हवा में उड़ता देख और किसी को पीटते देख अपने को मजा आ जाएगा। नहीं, अपने को कुछ ज्यादा टॉक्सिक लेवल जब तक ना जाए तो मजा नहीं आता, क्योंकि दिस जॉनरा इज चेंज, दिस गोना बी आर रेटेड। आई एम अ प्योर रेटेड फैन एंड वी आर द पॉप कल्चर, हम ही एक पॉप कल्चर है जो आर रेटेड सिनेमा लव करते हैं, आर रेटेड फैंस की कमी नहीं दुनिया में। एंड ओवरऑल आर रेटेड ही इस सिनेमा का फ्यूचर है, ये लिख करके ले लो। ओवरऑल अगर इस वीडियो को प्रॉब्लम हुई, इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। एंड तुम ही हो अल्फा मेल, तुम ही हो आर रेटेड बॉय, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। और हाँ, प्रॉब्लम अगर थोड़ी बहुत भी हुई होगी तो मुझे माफ करना इस वीडियो से। एंड ओवरऑल इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। शकील बोलता है, अगली वीडियो में मुलाकात होगी बहुत जल्द।